ओम शांति। आज है 29/4/19 का मुरली सार। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, नज़र से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर है, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है और उस आँख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात सदगति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नज़र लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। सेकंड पॉइंट है, और सब संग तो एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। आज का वरदान है, मनमना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं, ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है। और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। आज का स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने न दो।